गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस ए सब्जेक्ट चैप्टर 7 इंडिया लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इंडियाज लोकेशन बॉर्डर एरिया फ्रॉम द मैप ऑफ एशिया इन विच वी हैव नो दैट इंडिया कम्स इन द बॉटम ऑफ द एशिया. After that, we have discussed about latitude and longitude. What is latitude and longitude? They are imaginary lines which are made by the humans for their own benefits. तो normally latitude और longitude क्यों बनाए गए हैं? तो देखो, सबसे पहले हमने globe की बात की. तो globe जो real globe है उसमें हमने earth का एक model देखा है, जो demo model है, और उससे हमको ये पता चलता है कि earth किस तरह से दिखता है. और उसमें हमने बहुत सारी ऐसी lines देखी होगी जो दो तरह की होती है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. और वर्टिकल लाइंस को लैटिट्यूड कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. ठीक है, और इसमें हम ये देख रहे थे कि इंडिया जो है वो कहाँ पे है. ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो कौन से डिग्री पे पड़ता है और किस जगह पे और कितनी डिग्री बनाता है. ठीक है, तो हमने देखा था कि लैटिट्यूड के हिसाब से 8.4 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन तक जो है लैटिट्यूड है. और इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 68.7 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन से लेके 97.25 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन तक फैला हुआ. और इंडिया कहाँ आता है, तो एशिया के एकदम बॉटम में. और इसके बाद कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था जिसमें हमको बॉर्डर्स के बारे में बताना है कि इंडिया के अंदर इंडिया के आसपास कौन से बॉर्डर पड़ते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. तो इसमें से एक मैं बता देता हूँ कि जैसे डैश कंट्री इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो चाइना. ठीक है, और बाकी के तुम्हें खुद ढूंढने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आगे. उसके बाद हमने इंडिया के ग्राफ के बारे में, इंडिया के मैप के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे टोटल जो है 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है. और इसमें जो मैप दिया है इंडिया का, उसमें हमको अलग अलग स्टेट के नाम दिए गए हैं और उसमें साथ में कैपिटल भी लिखे गए, जैसे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का रोहतक, राजस्थान का जयपुर. ये सब चीज़ें हमें पता चली कि जितने भी स्टेट है उसके कैपिटल क्या क्या है. ठीक है, और इसके बाद हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी कि इंडिया जो है वो तीन साइड से जो है ओशियन से घिरा हुआ है, यानी तीनों साइड जो है वाटर है और खाली एक ही साइड ऐसा है जहाँ पे लैंड है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी आते हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब आते हैं. और उसके बाद हम एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है. तो इंडिया की शुरुआत कश्मीर से होती है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में, और एंड कहाँ होता है, तो कन्याकुमारी में, जो साउथ डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में जो है उसका एरिया कितना है वो भी हम डिस्कस कर रहे थे. जैसे 3214 किलोमीटर जो है नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन तक इंडिया फैला हुआ है. और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और द्वारका जो वेस्ट डायरेक्शन में, वहाँ से इंडिया की बात करें, यानी ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अरुणाचल प्रदेश से, और वेस्ट डायरेक्शन में द्वारका तक वो ख़त्म होती है. तो उतने के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2933 किलोमीटर. ठीक है, जो ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में है. और टोटल इंडिया की अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया कितना है, ठीक है, ज़मीन का एरिया कितना है उसके बारे में जानेंगे कि इंडिया में ज़मीन कितनी है. तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. और इंडिया जो है जगह के मामले में जो है वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है. ठीक है ना, वर्ल्ड में जितने भी बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से इंडिया का रैंक 7th आता है एरिया वाइज. ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल जो है 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें न्यू दिल्ली भी इंक्लूड है. और न्यू दिल्ली की बात करें तो वो इंडिया का कैपिटल कहलाता है. इसके बाद फिजियोग्राफिक में हम बात कर रहे थे. फिजियोग्राफी में हमने ये पढ़ा था कि 5 टोटल डिवीज़न है किसके, लैंड फॉर्म के टोटल 5 डिवीज़न है, जिसमें क्या क्या आता है, तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड एंड आर्कियोलॉजिस्ट और इंडियन डेजर्ट. ये छः जो है
डिवीजन हमको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा है मगर टोटल जो है 6 दिया गया है, और क्योंकि ये दोनों जो है एक साथ रिलेट करते हैं इसके वजह से ये 6 दिए। नॉर्मली कितने डिवीज़न है तो 5 ही डिवीज़न है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है, खाली थोड़ा बहुत उसमें अलग है। नॉर्थ माउंटेन रेंज की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्थन माउंटेन रेंज में, यानी पहला पॉइंट जो है हमारा नॉर्थन माउंटेन रेंज का, उसमें नॉर्थन माउंटेन रेंज के 3 डिवीज़न है। तो पहला आता है हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा आता है हिमालय, और तीसरा आता है ईस्टर्न हिमालयन, और पूर्वाचल रेंज आता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ साइड पर आता है, यानी नॉर्थ साइड पर जो रेंज आता है नॉर्थन साइड पर, उस रेंज को ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, और बीच में जो हिमालय का साइड आता है वो हमारे सेंटर में, इंडिया सेंटर में है, तो उसे मिडल हिमालयस भी बोला जाता है, सेंट्रल हिमालयस भी बोला जाता है। इसके अलावा जो एकदम इंडिया में, यानी इंडिया के अंदर है, उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह थे। अब हम माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय की बात कर रहे थे, और इंडिया माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय में हमने ये बात किया था कि वहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है गॉड ऑस्टिन, जो इंडिया में है, ठीक है। उसकी लगभग हाइट कितनी है तो 8611 मीटर हाई है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है लगभग 8848 मीटर तक ऊंचा है, जिसके वजह से उसे हिमालयन रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ भी गिना जाता है, और वर्ल्ड में भी वो सबसे बड़ा माउंटेन है जो नेपाल में है, ठीक है। यानी जो हिमालयन रेंज नेपाल साइड पर पड़ता है, और उसमें एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। और फिर इंडिया में आने वाले माउंटेन ज़्यादातर कौन से हैं, तो देखो तो है कंचनजुंगा, जिसकी हाइट, यानी बड़े बड़े माउंटेन की बात करें तो पहला तो सबसे बड़ा जो है माउंट ऑस्टिन जो इंडिया में है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद कौन से आते हैं, तो कंचनजुंगा आता है जिसका हाइट है 8518, उसके बाद नंदा देवी आती है जिसकी हाइट है 7817, फिर बद्रीनाथ आता है, तो बद्रीनाथ की हाइट है 7138। तो ये सब जो है हिमालय के, यानी इंडिया के अंदर जो हिमालयन रेंज है उसमें इतने सारे बड़े बड़े जो है माउंटेन हमको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है तो नेक्स्ट पॉइंट ये है माउंटेनियस रीजन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। तो हिमालय का जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, और वहाँ पे दो ऐसे हिल्स पार्ट भी है जैसे पटकोई और लुसाई, ठीक है, वो ईस्टर्न हिमालय में पड़ते हैं। वेयर एज गारो, काशी एंड जंटिया एंड नागा द नॉट सो हाई, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिल्स भी है, ठीक है, जिसमें से पटकोई और लुसाई जो है वो बहुत ऊँचे ऊँचे है, और जो लोअर है, लोअर माउंटेन, यानी छोटे छोटे पहाड़ है, वो कौन से, तो घरो, काशी, जंटिया और नागा, इनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी छोटे बड़े भी हमको दिखाया नहीं, ये भी देखा है, ठीक है। और ये सब कहाँ पे है, तो साउथ साइड में, साउथर्न हिमालय साइड पे है, ठीक है। यानी ईस्टर्न हिमालय साइड पे जो है ऊँचे ऊँचे माउंटेन है, जिसमें दो नाम आते हैं पटकोई और लुसाई, और साउथर्न हिमालय में दूसरे दो आते हैं जैसे गरो, काशी और जंटिया और नागा, ये साउथर्न हिमालय में आता है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है, और वहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ों की हाइट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते जो है प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द प्लेन्स ऑफ द टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द एलुवियल ब्रॉड बाय द हिमालयंस एंड पेनिनसुलर रिवर। तो देखो साउथर्न रीजन में जितने भी प्लेन्स है वो जो है एक ही सॉइल से बना हुआ है, और वो सॉइल कौन सा है, तो एलुवियल, ठीक है, एलुवियल सॉइल से जो बना हुआ है। और एलुवियल सॉइल के बारे में एक खासियत बात है कि एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और ये एलुवियल सॉइल कहाँ से आता है, तो माउंटेन्स और रिवर से आता है। माउंटेन से किस तरह से, जब बारिश होती है तो उसमें से जो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड यानी ज़मीन खिसकती है, तो उससे मिट्टी जो है नीचे आती है और उससे अलग से एक ज़मीन बन जाती है, ठीक है, और उसको ही प्लेन्स कहा जाता है। और इसके दो कारण है, एक तो लैंडस्लाइड होना जब बारिश होती है तब, और दूसरा रिवर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवर के फ्लो की वजह से भी जो है मिट्टी एक जगह पर इकट्ठा होती है, ठीक है, तो उससे ये प्लेन्स बनते हैं।
और दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये ऐसे प्लेन्स जो है, ठीक है, वो पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं, इसीलिए इसे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लेन्स बनने के मेन कारण क्या है, तो एक तो लैंडस्लाइड और दूसरा रिवर्स, यानी माउंटेन से जो लैंडस्लाइड होती है यानी जमीन खिसकती है उससे ये बनता है, या तो पेनिनसुलर रिवर्स यानी रिवर फ्लो होने से होता है। ठीक है, और लगभग नॉर्थ इंडिया में ऐसे प्लेन्स बहुत सारे हैं और इसी के वजह से इसे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। द प्लेन मेड बाय द रिवर आर सो वास्ट दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय द रिवर। ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दिस प्लेन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो देखो, रिवर के फ्लो होने से जो है ये प्लेन्स ज़्यादातर क्रिएट होती है और इसी के वजह से जो है इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन भी कहा जाता है। नॉर्दर्न इंडियन जो प्लेन्स है वो सब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है जो रिवर से बना हुआ है, और यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे जो नंबर्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा भी है और प्रॉस्परस भी है। ठीक है, प्रॉस्परस यानी यहाँ पे रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें मिलती है और बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है और यहाँ के लोग जो है बहुत ही पैसे वाले भी है। ठीक है, ये चीज़ भी है। और इसके अलावा ये एलुवियल सॉइल है, इसी के वजह से नॉर्थन प्लेन जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर अगर हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जो हिमालयन रिवर से फ्लो होती है, तो यहाँ पे रिवर और लेक्स के डायग्राम दिए हैं, तो हम देख सकते हैं कौन सी रिवर इंडिया में आती है, उसको थोड़ा लार्ज करते हैं तो क्या क्या है। तो देखो, वल्गर, झेलम, चेनब, दाय, तो देखो वल्गर जो है वो तालाब है, झेलम, चेनब, दाय, हिंदूस, रवि, सतलज, फिर सांभर भी लेक है, लूनी, साबरमती, मही, ये सब नदियाँ है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो गुजरात की हम देखते हैं थोड़े बहुत, तो देखो गुजरात में कौन सी नदियाँ हैं, तो साबरमती है, मही है, नर्मदा है, तापी, ये जो गुजरात की रिवर्स है। ठीक है, और तालाब की बात करें तो कौन से तालाब हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो देखो पुलिगट, कोलेरू, चिल्का, ये सब तालाब है, सांभर, बुलार, ये सब जो है क्या है, तो ये सब तालाब दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको तालाब, रिवर्स और लेक में अगर फ़र्क देखना है तो हम क्या देखेंगे, तो रिवर के लिए जो है ब्लू लाइन दी गई है, खाली एक सिंगल सी कर्व लाइन दी गई है, और लेक के लिए जो है एक जो है अलग से डायग्राम दिया गया है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं, जिसमें नॉर्मली वो सर्कल जैसा फॉर्म तो कर रहा है मगर सर्कल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ एंड द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, दे आर स्प्रेड लाइक ए ट्राइंगल सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। तो देखो प्लेट्यू क्या होता है, और सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे जो साउथ डायरेक्शन में है, जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ के अंदर नॉर्थ साइड पे जितने भी प्लेन्स आते हैं उसके साउथ डायरेक्शन में जो है ऐसे प्लेट्यूस है। और प्लेट्यूस क्या होता है, तो प्लेट्यूस ऐसी ज़मीन होती है जो ट्रायंगल से बनाती है और उसके सारे सब बाजू जो है क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, यानी थ्री साइड पे जो है वाटर ही होता है, और इसीलिए इसे पेनिनसुला भी कहा जाता है। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड अप ऑफ रॉक, और इसे हम बोल सकते हैं कि ये सबसे पुरानी ज़मीन होती है जो रॉक से बनी हुई होती है। और हम रिफ्ट वैली की बात करें जो नर्मदा की है, और द सोन रिवर्स आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू। तो देखो नर्मदा और सोन रिवर जो है वो ऐसे प्लेट्यूज में लोकेट करती है, यानी यहाँ पे है। और प्लेट्यू के दो डिवीज़न है, यानी दो पार्ट है, पहला पार्ट है मालवा प्लेट्यू जो नॉर्थ डायरेक्शन में, और डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्टाइल नहीं होती, बट इट इज़ ब्लैक एयर्स एरिया एल्ट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड इट इज़ ऑल्सो है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ फर्टिलिटी तो है मगर बहुत ही कम, मगर एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। फिर भी इसमें एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं अलग अलग
टाइप के, जिसमें कम पानी का इस्तेमाल हो, कम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल हो, ऐसे क्रॉप्स को उगाया जाता है। मगर यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इस जगह को जो है ट्रेजर भी हाउस भी कहा जाता है। ट्रेजर हाउस यानी खजाना, ठीक है, ट्रेजर यानी खजाना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तुम्हें क्या करना है, तो ये सेकंड पॉइंट जो है उस पैराग्राफ को पूरी तरह से लिखना है 2 टाइम।